गुजरात की रानी नाइकी देवी, क्या आप लोगों ने इनका नाम सुना है? हम में से बहुत से लोगों का जवाब होगा नहीं। इतनी बड़ी वीरांगना को इतिहास में वो स्थान नहीं मिल पाया जैसा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई या फिर किट्टूर की रानी चिनम्मा को मिला है। जरा सोचिए कि ये रानी कितनी शूरवीर और युद्ध कौशल में निपुण होगी कि जिसने उस मोहम्मद गोरी को 1178 में हरा कर भगा दिया था, जिसके हाथों बाद में 4 साल के बाद पृथ्वीराज चौहान जैसे महान शूरवीर राजा सेकंड बैटल ऑफ तराइन में हार गए। नमस्कार, मेरे चैनल हिस्ट्री एंड मैथोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज हम गुजरात की उस वीरांगना नाइकी देवी की कहानी को जानने की कोशिश करेंगे जिसने मोहम्मद गोरी को हरा कर अफगानिस्तान भागने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन उसके पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। मध्ययुगीन भारत का इतिहास का लार्जर पार्ट आक्रमण, युद्ध, विजय, पराजय की कहानियों से भरी पड़ी है। लेकिन इन सभी कहानियों में गुजरात की रानी नाइकी देवी द्वारा मोहम्मद गोरी को 1178 में कसारदाह के युद्ध में हराकर भगाने वाली कहानी का जिक्र या तो बहुत कम हुआ या बहुत संक्षिप्त रूप से मिलता है हमें। जबकि हकीकत तो ये है कि ये चालुक्य वंश की विधवा रानी नाइकी देवी ने मोहम्मद गोरी को बैटल ऑफ कसारदाह में इस तरह से पराजित किया कि वो अफगानिस्तान भागा और दोबारा गुजरात की तरफ नजर उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर पाया और भारत विजय का रास्ता ही बदल दिया और दोबारा हुआ मुल्तान और पंजाब के रास्ते भारत में घुस पाया। रानी नाइकी देवी गोवा के कदम वंश के शासक परमादी की बेटी थी जिसका लालन पालन बिल्कुल राजकुमारों की तरह किया गया था। घुड़सवारी हो या तीरंदाजी, सभी में वो निपुण थी। जब वो बड़ी हुई तो उनका विवाह गुजरात के चालुक्य वंश के राजा अजयपाल के साथ हो गया। लेकिन विवाह के 4 साल के भीतर ही उनके पति अजयपाल की मृत्यु हो गई। उनके गोद में उनका छोटा सा पुत्र मूलराज था। तो गुजरात की गद्दी पर मूलराज को बिठाया गया और रानी नाइकी देवी को उसका संरक्षिका बनाया गया। यानी इनडायरेक्ट रूप से नाइकी देवी ही गुजरात का शासन चलाती थी। उस समय अफगानिस्तान पर मोहम्मद गोरी का शासन था और उसकी नजर भारत पर थी। उस समय भारत कई छोटे बड़े राजाओं द्वारा शासित भूखंड था और दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान जैसा शक्तिशाली राजा था जिसकी शूरवीरता की चर्चा दूर दूर तक थी। तो मोहम्मद गोरी ने ऐसा सोचा कि क्यों ना पहले गुजरात को ही जीत लिया जाए, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि गुजरात का राजा अभी तो नाबालिग है और रानी को हराकर विजय पाना बहुत आसान है। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि गुजरात की राजधानी उस समय अनिलवाड़ा थी जो काफी समृद्ध थी। कहते हैं कि उस समय विश्व के 10 बड़े समृद्ध शहरों में से वो एक था। वहाँ की आबादी लगभग 1 लाख थी। तो मोहम्मद गोरी ने अपनी सेना के साथ गुजरात की तरफ कूच कर दिया। रानी नाइकी देवी को जब ये पता चला गुप्तचरों से कि मोहम्मद गोरी डेजर्ट क्रॉस करके अनिलवाड़ा की तरफ बढ़ रहा है, तो उसने हिंदुस्तान के तमाम राजा रजवाड़ों से मदद की गुहार की। लेकिन कुछ छोटे सामंतों और सरदारों की मदद के अलावा उन्हें भारत के किसी बड़े राजा से मदद नहीं मिल सकी। तो नाइकी देवी ने खुद ही मोहम्मद गोरी का सामना करने का ठाना। वो युद्ध की ऐसी रणनीति बनाई जिसमें गुजरात की सेना को फायदा हो। उसने माउंट आबू की तलहटी में गदरघट्टा के ऊबर खाबर इलाके को युद्ध का क्षेत्र बनाया। ये जगह आज भी राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। रानी अपने पुत्र को साथ लेकर रणभूमि में उतरी। उनके हौसले इतने बुलंद थे और वो किसी तरह अपने राज्य को मोहम्मद गोरी से बचाना चाहती थी। उस वीरांगना की वीरता देखने लायक थी। कहते हैं कि उसने मोहम्मद गोरी के सेना को रौंद डाला। गोरी अपने अंगरक्षक के साथ युद्ध भूमि छोड़कर भाग गया और फिर कभी गुजरात की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं। जॉन ऑफ आर्क और रजिया सुल्तान के बारे में तो बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया है इतिहास में, लेकिन इस टफेस्ट वॉरियर को इतिहास में वो स्थान नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसे जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।